हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम योर टीचर फ्रॉम योर एसएस कॉन्वेंट स्कूल भूपियामो प्रतापगढ़। कैसे हैं प्यारे बच्चों आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और डेली पढ़ाई कर रहे होंगे, डेली वीडियोस देख रहे होंगे। तो जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, कॉमेंट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माई डियर स्टूडेंट फर्स्ट चैप्टर से। तो आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया है माई डियर स्टूडेंट, इधर भी आपने पढ़ो और समझो, छोटा बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इस तरीके से आपने इधर पढ़ लिया है माय डियर स्टूडेंट। और इधर आहा की मात्रा को आपने पढ़ा, जिसको मैंने 20 वर्ड्स आपको लिखने को दिए थे। नेक्स्ट वीडियो में रेफ एंड पदेन पद भी आपने पढ़ लिए हैं कि ये क्या होते हैं, इनकी मात्रा इस तरीके से होती है, उड़ंतु रा जिसको बोलते हैं, और ये नीचे की तरफ रा लगना। तो इसके भी मैंने 20 वर्ड्स आपको SW दिए हैं। जो बच्चे किए होंगे वो तो बहुत ही अच्छी बात है, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी करते जाएँ, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है माय डियर स्टूडेंट। तो हम नेक्स्ट अभ्यास कार्य पर चलते हैं। हमने तो ये पढ़ ही लिया है, तो फिर अब हम अभ्यास कार्य पर चलते हैं। अभ्यास कार्य में आपका क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए इसको हम सुंदर सुंदर लिखते हैं माय डियर स्टूडेंट। इसको लाइन को मैंने थोड़ा आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि आपको यहीं पर ही लिखना है सुंदर सुंदर साफ साफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर स्टूडेंट। पहला है का है, हमें कितने बजे उठना चाहिए, हमें कितने बजे उठना चाहिए। तो यहाँ पर हमें कितने बजे उठने की बात कही गई है, प्रातः 6 बजे उठने की बात की गई है माय डियर स्टूडेंट। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा कि हमें, आपको सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है, हमें कितने बजे उठना चाहिए। तो हमें प्रातः आपको बिल्कुल शुद्ध शुद्ध लिखना है, 6 बजे उठना चाहिए। वेरी गुड, इस तरीके से आपको सुंदर सुंदर लिखना है, जैसे कि मैं लिख रही हूँ, हमें प्रातः 6 बजे उठना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट, हमें प्रातः क्या करना चाहिए। तो हमें प्रातः क्या करना चाहिए, ये भी आपने पढ़ा है कि हमें प्रातः सैर करना चाहिए, प्रातः सैर करना चाहिए है। तो हम लिखेंगे हमें प्रातः, हमें प्रातः सैर करना चाहिए, तरीके से आपको यहाँ लिखना है। नेक्स्ट पर चलते हैं माय डियर स्टूडेंट, हमें कैसा आचरण करना चाहिए, हमें कैसा आचरण करना चाहिए। तो आपने भी यहाँ पर पढ़ा कि है सदैव अच्छा आचरण करना चाहिए, हमें अच्छा आचरण करना चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, हमें अच्छा आचरण करना चाहिए, हमें अच्छा आचरण करना चाहिए। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आप लिख रहे हैं, ऐसे ही सुंदर सुंदर आपको लिखना है, हैंडराइटिंग बिल्कुल गंदी नहीं होनी चाहिए। कैसे वचनों को, कैसे वचनों का श्रवण करना चाहिए, श्रवण माने क्या होता है बच्चों, सुनना होता है। तो हमें कैसे वचनों को सुनना चाहिए, कैसे वाणी को सुनना चाहिए। तो हमें उचित वचनों का श्रवण करना चाहिए, उचित वचनों को सुनना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हमें उचित वचनों का श्रवण करना चाहिए, चाहिए आपका माय डियर स्टूडेंट, यहाँ जगह कम पड़ रही है तो चाहिए आप यहाँ लिख दीजिए, चाहिए आप वहाँ नहीं लिखेंगे, आप थोड़ा और आगे करके यहाँ लिखेंगे श्रवण करना चाहिए, हमें उचित वचनों का श्रवण करना चाहिए। नेक्स्ट पर चलते हैं, कैसे कार्यों में रुचि लेनी चाहिए। तो हमें महान कैसे कर रही हूँ, धर्म के कार्य में रुचि लें। तो यहाँ पर देखिए आपका साफ साफ लिखा हुआ है, तो आप लिखिए हमें धर्म के कार्य में, हमें धर्म के कार्यों में रुचि लेनी चाहिए, चाहिए आप नीचे लिख दीजिए, चाहिए
इस तरीके से आपको माय डियर स्टूडेंट साफ साफ लिखना है। अगर आप चाहें तो आप अपनी नोट्स में भी इसको लिख सकते हैं जो आपने हिंदी की नोट्स बनाई होगी, क्योंकि आपको हिंदी का नोट्स अब बनाना है। अभी तक तो आप कॉपी में लिख रहे थे क्योंकि आपकी बुक में जो है जगह दी गई थी, तो आप उस पर कंटिन्यू लिख रहे थे लगातार, लेकिन अब आपको नोट्स भी बनानी पड़ेगी, जिसके लिए आप सेकेंड चैप्टर के सेकेंड पार्ट के आपको लिखने पड़ेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख लिया है, और माय डियर स्टूडेंट इन सब चीज़ों को पढ़ते जाइए, क्योंकि आप फर्स्ट में पहुंच गए हैं तो आपको ज़्यादा लिखना पढ़ना सही रहेगा, आपकी रिवाइज होती जाएगी, आप जितना लिखेंगे पढ़ेंगे उतने ही अच्छे से आपको ज्ञान होता जाएगा माय डियर स्टूडेंट। तो आप इसको ज़रूर पढ़िए एक बार सारे, पूरा फर्स्ट से लेके लास्ट तक आप रिवाइज़ करिए चैप्टर को। आपका ये HW है कि आपको शुरू से लेके अंत तक के पूरे चैप्टर को एक बार पढ़ करके उसको अच्छे से रिवाइज़ करना है। जैसे कि आपको यहाँ शुरू से पढ़ो और समझो को पूरा, यहाँ पर छोटे आ की मात्रा का प्रयोग किया है, तो इसको आपको पूरा शुरू से माय डियर स्टूडेंट पढ़ करके, जैसे जय बक बक मत कर, इस सबको आपको एक बार पढ़ करके पूरा हर अभ्यास रिवाइज कर करके, इसको फिर से आपको इधर पढ़ करके इधर भी अभ्यास रिवाइज कर करके आपको सारा काम करना है माय डियर स्टूडेंट। सारे एक बार आप रिवाइज कर लीजिए तो आपकी जो है जो आपको कविता, और आपको कविता भी लिख लेनी है, आप जो है छोटे की मात्रा की आपको कविता भी लिखनी है, तो आप साफ साफ इसको देख देख कर सुंदर सुंदर लिखिए, और जितने भी ये आपके काम है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर इसके लिए आप नोट्स भी बना सकते हैं। अभी आप नोट्स मत बनाइए, अभी आप बुक में ही लिखिए, लेकिन आगे जब आप सेकंड चैप्टर पर चलेंगे तो इसके लिए आपको नोट्स बनानी पड़ेगी माय डियर स्टूडेंट। तो आप जो है फर्स्ट को पढ़िए माय डियर स्टूडेंट, इसको रिवाइज करिए, फिर हम सेकेंड पोयम आपको सेकेंड पार्ट की कविता नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए माय डियर स्टूडेंट पढ़ते रहिए, आप खूब मेहनत करिए, लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकलना है आपको माय डियर स्टूडेंट। सो अपना ध्यान रखिए, मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी माय डियर स्टूडेंट, टेक केयर।